हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। मिस्टर हिमांशु इन फ्रंट ऑफ यू। एसएससी सीजीएल का कैलेंडर जारी हो चुका है और एसएससी ने काफ़ी अपडेट्स इस मंथ में दिए हैं, इस वीक में दिए हैं। ओके, इसलिए कहने कि अब एसएससी की रफ्तार काफ़ी तेज आपको दिख रही होगी। ये बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि एसएससी का एग्ज़ाम यानी कि 2022 का एग्ज़ाम 22 में हो रहा है, दिसंबर 2022 में होगा। ऐसा कि होता ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अपने करियर में कि जिस ईयर का एग्ज़ाम हो उस ईयर में हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं एसएससी अब ठीक चल रहा है, तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एडिशनल वैकेंसी 70,000 जो कि आपको एसएससी में मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आगे मिलने वाली है। तो मैं आज फोकस करूंगा सीजीएल पे, कैलेंडर दिखाऊंगा और कुछ फैक्ट की बात करूंगा कि हाँ, कि अब थोड़ा सा एसएससी क्रैक करना इजी भी है रादर देन प्रीवियस ईयर्स। क्यों? क्योंकि एक तो आपको वैकेंसीज मिलेंगी ज़्यादा, तो हो सकता है आपकी वैकेंसी 8,000 से बढ़ के 12,000 तक पहुंच जाए, ठीक है, पहली चीज। और सेकंड चीज आपकी क्या है कि पीए एंड एसए की जो पोस्ट थी आपकी 10+2 से फेल होती थी, बट अब वो हटा दी गई है, तो अब उसको इन्होंने अरेंज किया है ग्रेजुएशन वाइज, ठीक है। तो अब ये पोस्ट आपको मिलेगी सीजीएल क्रैक करने पे, तो उसकी पोस्टें कम से कम 1500 के आसपास होती हैं, तो वो पोस्ट आपकी बढ़ गई, तो 8,000 आपको मिल रही है पोस्ट अभी, और आपको 1500 और मिल गई, तो आपकी वैकेंसी मुझे लगता है इस बार कम से कम 14,000 आने वाली है। दिसंबर 2022 में आपका जो प्री होने वाला है उसकी वैकेंसी 14,000 के अप्रोक्स पक्का आएंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है एसएससी के बारे में। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने इस इमोजी को रखा है कि खुश रहिए। और आपके जो बचे हुए शेष 4 महीने हैं, 120 दिन हैं, और 120 × 8 यानी कि 960 होने, तो 1,000 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्री को आराम से फोड़ेंगे। एसएससी क्रैक करने के लिए अमूमन जो रियलिटी है, मैंने जो बात की है अपने सीनियर्स लोगों से, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 हज़ार घंटे पढ़ना पड़ता है एसएससी को क्रैक करने के लिए मिनिमम। तो उसमें आपका 1,000 घंटा अभी आपके पास है, एवरेज स्टडी टाइम अगर आपका 8 आवर है तो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपन लोग कैलेंडर के पास, देखते हैं फैक्चुअल बातें। आपको कहीं ना कहीं मैंने बेस बता दिया कि एसएससी में अब चीजें काफी इजी हैं। क्यों? क्योंकि कल मेंस का आपका एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है डिस्क्रिप्टिव का, और आपकी यूआर की कट ऑफ गई है कितनी, 527। मैं अगर 530 मानता हूँ, अगर फाइनल आपका जो लगेगा कट ऑफ लगेगी 530 तक पहुँचेगी, तो मैं अगर मैं बात करता हूँ कि 530 700 का कितना परसेंट है, तो अप्रॉक्स 75% है। तो फाइनल कट ऑफ अगर 75% जा रही है एसएससी की, तो कहीं ना कहीं अब क्रैक करना थोड़ा सा आसान है अगर लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और लगातार पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम निकलेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांस है अब लगता है मेरे को। बीच में था कि टफ काफी हो रहा था, बट अब चीजें ठीक भी हैं। और ये साल आपके लिए चुनाव का साल बनने वाला है, तो उसको पूरा यूज करिए। सरकार हमें यूज करती है, अब हमें टाइम मिला है तो हम भी उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कैलेंडर की आपकी। एमटीएस आपका ये पूरी चीजें आपकी यहां तक हो चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ यहां से, कहां से, 4th नंबर से, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है ना अपनी, उनकी बात करता हूँ। बाकी आप लोग देख लेना एक बार कैलेंडर में। मैंने अगर देखो यहाँ की पोस्ट देखी हुई है स्टेनोग्राफर की, ठीक है, स्टेनोग्राफर की मैं देखता हूँ तो इसका एग्जाम ये देखो 2022 दिखा रहा है, 21 का ये लोग खा गए, 21 का एग्जाम आपका होना था बट 21 का ये लोग खा चुके हैं। ये इनका सेकेंड टाइम है क्योंकि एमटीएस 2019 ये लोग खा गए थे, तो एसएससी कहीं ना कहीं अब नालायकी देती है, तो हो सकता है मे बी आपको स्टेनो में अब वैकेंसी थोड़ी बढ़ के मिले क्योंकि एक साल की वैकेंसी ये लोग खा चुके हैं। तो मे बी हो सकता है अगर आपकी अभी वैकेंसी 900,000 आती है, मे बी आपकी वैकेंसी 2 से 3 हज़ार के आसपास आ जाए क्योंकि इसमें 70,000 भी एडिशनल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस जीडी का। इसमें नवंबर में आपका एग्जाम होना है आफ्टर 4 मंथ। अगर मैं चलता हूँ आपसे थोड़ा नीचे सीजीएल की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी दिसंबर में आपके पास 5 मंथ्स है, आराम से निकाल सकते हो। मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने भी क्रैक किया हुआ है 2 times pre 1 time CGL mains, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहाँ तक मैंने खुद क्वालिफाई किया मैं वहीं तक एडवाइस देता हूँ, उससे आगे की नहीं, क्योंकि फालतू में वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। चलते अपन लोग आगे। इसमें अभी आपकी सीपीओ की वैकेंसी भी होगी, 10+2 आपकी यहाँ पे दे रखी है और इसका एग्जाम आपका फेब एंड मार्च में होना है। तो इसमें वैकेंसी पता नहीं कितनी आएंगी, मेरे को लगता है वैकेंसी अब इसमें काफ़ी कम आएंगी, तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है, इसका फ़ायदा आप सीजीएल में उठाइए। तो
तो वो उसको अपनी लाइफ की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए, है ना। फालतू अगर आप लाइफ से अपने एक जॉब से हाथ धो बैठेंगे, आपकी एक पोस्ट ये भी है सीपीओ की, जिसका आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है, आपके फॉर्म फिल होंगे 38 तक। तो ये आपके कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जो आपके अभी 6 मंथ में आपको 3 से 4 एग्जाम मिलने वाले हैं बड़े बड़े, बाकी छोटे छोटे आपके एग्जाम्स लगे हुए हैंगे। और मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट 10 की, जिसने भी इसका एग्जाम दिया हुआ है तो इसकी कट ऑफ काफी ठीक रहती है ना। और अगर चलते हैं हम लोग यहाँ पे मेंस की बात करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, 10+2 आपका जो अभी हुआ है, जिसकी भी आंसर की आई है, इसका मेंस का जो पेपर मैंने दिया था डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उसकी मैं कॉपी RTI मैंने लगा दी है CGL को, SSC को सॉरी। तो RTI जब मिल जाएगी मैं उसको आपको अपनी मेंस की कॉपी दिखा दूंगा। मेरे 64 मार्क्स थे 100 में, तो वो मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, जिसका प्री क्वालिफाई होता है उतनी आपकी सफिशियंट रहेगी, वैसे चल लेना आपका मेंस भी अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहना लगातार। ये आपका जो 5th मंथ आएगा दिसंबर, बड़ी वैकेंसी है, नहीं देखने को मिलेगी आपको, पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरकार को भी यूज कीजिए और जो CHSL से जो पोस्टें ऊपर पहुंच रही हैं वो भी उसमें आपको इन्वॉल्व होंगी, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत बड़ी आएगी, तो कट ऑफ काफी कम भी जाएगी, क्योंकि तो अभी कट ऑफ 628 से 527 गई है, 101 रुपए की कट ऑफ कम हो गई नीचे, ठीक है। तो अब और कम जाएगी मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच, लगे रहिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।